हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो मैथ्स के क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, तो उनके एनसीईआरटी के थ्रू मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जो मैथ की है वही करेंगे जो आपकी जेईई मेंस में आते हैं। तो मैंने आपको क्लास में नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, तो वहाँ पे तो वो थे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अगर जो कोई ऐसा है जो हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं से वीडियो देख रहा है, तो वो पहली बात अंकित एनसीईआरटी पे और उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने अनकेट एनसीईआरटी के माध्यम से आपको ये नोट्स है ये प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हाँ जी राहुल, ऑनलाइन हो जाओ आप। ओके ओके, कोई बफरिंग थोड़ी आ रही। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जब नोट्स में क्या प्रोवाइड किया था, मैंने वहाँ पे बोला था आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नोट्स पढ़ने हैं आपने, और मैं आपको उनमें से क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के सैंपल भी आपको अनकेट एनसीईआरटी के थ्रू पहुँचा दूंगा। तो ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपको जो स्क्रीन पे बताया हुआ है, इफ पी क्यू आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन ए पी, देन पी क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू। यहाँ पे ये बोला गया है पी क्यू एक तीन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर है, तो इनको ए पी के प्रोग्रेशन से आप कैसे पता करेंगे, पता करेंगे, पता है किसी को? तो यहाँ पे है पी प्लस आर क्यूब आपके पास गिवन, पी क्यूब, सॉरी यहाँ पे पी क्यूब प्लस आर क्यूब। तो ये फॉर्मेशन के लिए मैंने हमेशा जब आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जब कभी भी आपको जो एडवांस या जेई में क्वेश्चन आते हैं वो आपको आंसर सीधे सीधे बता देते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब जो एपी का प्रोग्रेशन होता था वो आपका थोड़ा कम हो जाता था, ऐसे होता था ना 2 4 6, जो उसके डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस है जैसे, वैसे तो फाइंड करते थे हम। तो इसमें भी वही केस होगा आपका। तो इसका केस जो नोट्स में क्या बोला गया था, मैंने आपको बताया गया था कि यहाँ पे जब पी क्यू आपके पास थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गए, वहां पे फॉर्मूले में बताया गया था, मैंने जो सिंपली आपको फॉर्मूले बताए हुए थे वहां पे मैंने बताया था पी यू इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 2, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या बोला, अर्पित, क्या बोले अर्पित? ओके, तो अर्पित यहाँ पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आपने आर है यहाँ पे, अगर क्यू की जगह आर लिखा होता तो क्या होता? बेटा अगर यहाँ पे R होता तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, फॉर्मूले का सेम पैटर्न रहेगा, बट इसकी इक्वेशन ही चेंज होगी, जो आपने ये नंबर है ये R इस साइड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला था आपको। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछ लिया करो। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये आपको पता है, लेकिन ये पी क्यू प्लस आर क्यू की फॉर्मेशन में है, तो मैं कैसे करूं इसको क्यूब कर लूंगा इन सभी का? तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्यूब कर लूंगा तो यहाँ पे भी क्यूब होगा, तो कैसे होगा? पी प्लस आर का होल क्यूब, और 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, पता है? यहाँ तक कोई मुश्किल है? ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या किया जाएगा, यहाँ पे तो क्यूब क्यूब की मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जाएगी, तो यहाँ पे 8 क्यू क्यूब आ जाएगा आपका, दैट इज योर पी प्लस आर क्यूब। अब इजी है, अब आप तो कर ही लेंगे, पी प्लस क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 पी आर, सॉरी क्यू क्यू नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली, तो ऐसी मिस्टेक्स आर क्यू। थैंक यू रोहित बताने के लिए। यहाँ पे ही आपका रहेगा आंसर, ये जो पी प्लस आर, ये आइडेंटिटी आपको तो पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चंस को और देखिएगा। यहाँ पे 8 क्यू क्यूब तो है, पी क्यू प्लस आर क्यूब प्लस 3 पी आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड करने की, अब पी प्लस आर मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा, यहाँ से आपको बता दूंगा मैं पी प्लस आर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 2 क्यू, यहाँ से फाइंड कर लिया। तो इस इक्वेशन को अब क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेट करूंगा, जब यहाँ मैंने इसको रब कर लिया, आपने लिख लिया होगा। ओके, यस यस शिल्पा बोलो। ओके ओके, बताऊंगा आंसर लास्ट में, प्लीज वेट कीजिएगा। पी क्यूब प्लस आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब इसको आप जब फुली फील्ड से करेंगे, जैसे कि 8 क्यूब क्यूब माइनस, क्योंकि क्यू है, -6 पी क्यू आर। अब आप इस क्वेश्चन से देखिए क्या ये इनमें से कुछ आ रहा है इनका सम, क्योंकि पी प्लस आर क्यूब का सम पूछा गया था वो मैंने फाइंड किया, आया कुछ नहीं आया, तो नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। अब इंटीग्रेशन भी आपको करवा दी थी मैंने, तो इस टाइम तो क्रैश कोर्स ही ज़्यादा, क्योंकि आपको मैंने पूरा साल पढ़ा लिया। अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसको मैंने बोला है कि लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, नोट्स कर लो डाउनलोड, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। ठीक है, और इनके एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा,
वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2x+5, ये इजी रहेगा आपके लिए करने के लिए। द वैल्यू ऑफ, अब कैसे फाइंड रखेंगे, -5 है नीचे, अब -5 पॉजिटिव 5 नहीं है, पॉजिटिव 5 होता तब तो इजी तरीके से करना होता। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, किसी ने अगर नोट रखा होगा। वेरी गुड रोहित, ब्रिलियंट। ओके, अब यहाँ पे रोहित ने बिल्कुल इजी तरीके से बता दिया कि इंटीग्रेशन सर आप -5 10 और कितना है रोहित, 2x, वेरी गुड, प्लस dx, ओ सॉरी dx प्लस 75, वेरी वेरी गुड बेटा। मैंने क्या बताया था, -5 यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाता था और आपने क्या करना होता था उसको, जब उसके आपने रेसिप्रोकलाइजेशन करनी होती है वहां से फाइंड करना होता है। किसी को ध्यान में था ये क्वेश्चन, सब सच बताना। 75 ऐसे है बेटा, मैंने आपको बताया था जब कभी भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, जैसे कि 5 है इसमें कुछ भी एक्स नहीं है, तो इसको आप सीधे तरीके से निकाल सकते हो ऐसे। तो IIT जेईई में सीधे ही ऐसे ही करना, यहाँ पे मैंने वो ट्रिक्स आपको बताए हुए हैं कि ऐसे मत करना, क्योंकि आपको टाइम सेविंग करनी है। ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड रोहित, ओके ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन था रोहित, कर लिया। अब 75 को हम नहीं लेंगे अब, ओके 75 को इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसको, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अब इसकी जो करेंगे फाइंड, इस इंटीग्रेशन -5 नीचे वाली कभी भी चेंज नहीं होती, ऊपर वाली आएगी -4/5। कोई बता सकता है -4/5 कैसे आई, वेरी ब्रिलियंट ब्रिलियंट। -10, वेरी गुड, 10 dx। अब आप NCERT बुक्स निकालिएगा, वहां पे बताया हुआ है इस रूल का जो फॉर्मूला है, आपको बताया गया था कि -n/m, यहाँ पे इसको -n और इसको m मान लिया, सुन लो पहली बात। तो उसकी जो डिफाइंड ऐसे हैं, फाइंड कैसे करेंगे अब, वेरी गुड। ये जब मैंने बताया था ऐसी कभी भी कंडीशन आ जाए, तो वहां पे NCERT में तो बड़ा लंबा मेथड था, जो आप जैसे कि क्रैश कोर्स करते तो वहां पे सीधे बताते हैं आपको, कोई ऐसे नहीं। -4.5, वेरी गुड, वेरी 4। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, -90x, क्यों आप इसकी वैल्यू को कम करते रहेंगे, और एटलीस्ट ये कितनी रहेगी, 10 × 9.5, वेरी गुड, 19 dx। जैसे यहाँ पे -4/5 था, फिर -4 आएगा, फिर -5/5 आएगा, तो लास्ट में क्या रूल बताया था मैंने, m+n/m-n, और ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपने करना था, ठीक है, ओके 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 ओके, मैं बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है ठीक है। जो समझ नहीं आएगा एकदम आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, लाइव क्लासेस चली हुई है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। किसने पूछा था ये क्वेश्चन, अमित, ओके अमित। जब मैंने आपको उस इंस्टीट्यूट में, जब मैंने आपको बताया गया था कि ऐसी आपने जब न्यूमेरिकल्स आप करते थे NCERT में, तो NCERT आपको ये बताता था कि आप P-Q/2 इस तरीके से अप्लाई करें। अब इस तरह से आप बेटा अप्लाई करोगे तो ये जो मेथड है ये बहुत बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइम सेविंग करनी होती है, 4 मार्क्स आपको क्या करना होता है, क्लियर। तो उस कंसेप्ट के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, जो m+n, आप इस वैल्यू को कम कर दीजिएगा, कम करेंगे तभी पे इसके जो बीच वाला पॉइंट है वहां से इसकी वैल्यू को इजिली फाइंड कर लिया जाता है, ओके ठीक है, समझ आया बेटा। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आपको यहाँ पे वैल्यू को पीछे रिवर्स करना होता है, क्योंकि बीच वाला पॉइंट आपको फाइंड कर लेते हैं आप एक्स और वाई की प्रेजेंस से, ओके ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप, ओके, ये आपको तो इजी मेथड आ जाता है। अब तो इंटीग्रेशन करनी है सीधे, तो मैं सीधे लिखूंगा -10 -9। अगर कोई ऐसा हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और से पढ़ रहा है उसको तो ये पता लग जाएगा, अगर किसी को पता नहीं लग रहा है तो ये नोट्स जो दिए हुए हैं आपको, जो अनकेत NCERT आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ओके 90 और 90 यहाँ पे रहता है आपका। अब जो इक्वेशन 1 निकाली थी मैंने, जो आपको नोट करने के लिए बोला था, +75, तो क्या है इसका टोटल आंसर निकाल दीजिए। मैं तो कैलकुलेटर का यूज करूंगा यहाँ पे, कैलकुलेटर तो कर लीजिए आप। इसका आंसर आएगा बेटा 285/2, करेक्ट आंसर इज, तो इसकी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे फाइंड की इंटीग्रेशन, वो आपको पता लगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए 2x के लिए कैसे यूज की, उसके पीछे वाली वैल्यू को चले जाना है और उसके बीच वाले पॉइंट को निकालना है, ओके ठीक है।
अगर जो ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग अभी तक नहीं ली है, अगर वो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा दूंगा इस चैनल पे, एनके एनसीईआरटी पे। तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसको इरेज कर देते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, द कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स साइन 9π/7। मैंने हमेशा कहा था आपको, जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है हमेशा पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो पीछे का मतलब है साइन 9π/4 को सॉल्व करना है। अब मैं कैसे करूंगा इसको, साइन 9π/7। रोहित तुम्हारे लिए तो ईजी है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी तो बताना है मैंने। या कॉस पाई बाई टू -9π/7, इसको आप कैसे कहेंगे, ब्रेक कर लेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ द क्वाड्रेंट मेथड, आपने पढ़ा होगा। ये तो सिंपल चीज है, ये तो बताने की जरूरत। अगर कॉस पाई बाई टू -9π/7 है तो साइन ही होता है वो, ये तो आपको पता ही है। अब इसको सॉल्व कर लो, कॉस पाई बाई टू -9π/7, इसका एलसीएम निकालना है आप। अब ऊपर वाला ही लिख लिया मैंने, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे आप, तो इसका एलसीएम आएगा कॉस 7π -18π, वेरी गुड, अपॉन 14। रोहित आंसर नहीं बताओ अभी, हम सभी के साथ रहेंगे, ओके, आगे नहीं करना। इक्वेशन नंबर 1, वेरी गुड। यहाँ पे तो ये आपका आंसर रहता है, मैंने बोला है पीछे से चलना हमेशा, कभी भी आगे से नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ, एक ही मतलब है यहाँ से। तो इसको इरेज कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना था आपका 9π/2 रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो 7π -18π/14 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस -11π/14। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं रहा है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा इसको बेटा, या इसको रब करके मैं यहाँ पे ही कर लूंगा, मैंने 14π। अब बेटा एनसीईआरटी की आइडेंटिटी आइडेंटिटीज है, कॉस माइनस कॉस इंटू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है, तो क्या आ जाएगा कॉस 11π/14। वहां पे नहीं पूछेगा कि कोई आइडेंटिटी लगाओ, वहां पे तो सीधे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको डालो। तो ठीक है, साइन 9π/7 आपको बेटा मैंने बता दिया कैसे निकाला आपने, ठीक है। तो स्टार्ट, और यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन सो करेंगे आप, तो कॉस 5/4 सॉरी 11π/14 आपके पास आंसर आ गया जो अभी निकाला। वीडियो को पीछे कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। अब हमने साइन 9π/7 की वैल्यू निकाली, अब निकालेंगे हम कॉस इनवर्स किसकी, निकालेंगे कॉस 11π/14 की। तो क्या आ जाएगा, अब तो सिंपल है, 11π/14 आ जाएगा, निकाल ली फाइन। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, अब कितना काम रह गया तुम्हारा, जब तुमने ये निकाल लिया तो अब साइन 11π/4 की ओर जाना है, इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे करना है, वैसे ही कॉस पाई बाई टू -11π/14 होगा, यहाँ पे 4 लिख लिया मैंने गलती से, सॉरी। तो ये इसको बेटा जब आप फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मैं सीधे एलसीएम निकाल लेता हूँ, कॉस 14 जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका ये इसका आंसर, एक मिनट, कैलकुलेशन करनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसका आंसर आएगा कॉस 2π/7, आपकी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब करवाने की ऐसी जरूरत नहीं रहती, कॉस इनवर्स रह गया, अब कॉस इनवर्स को कॉस 2π/7 के साथ करोगे तो कितना आ गया आपके पास आंसर, कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2π/7। बेटा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको करना है। और ये कितना आंसर आ गया 2π/7, तो कौन सी करेक्ट है इनमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो करवाऊंगा वो सर्कल्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एनके एनसीईआरटी को जो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोचिंग के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और मेरा नाम उदय गौतम है, और आप हमें या हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले सकते हैं। और रोहित तुम्हें जो मैंने बताया हुआ है जो क्वेश्चंस, उनको आपने सॉल्व करना है, और उनके नोट्स मेरे को फिल करने हैं, मैंने सभी को देने हैं तुम्हारे नोट्स, ओके। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और एनके एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना।